पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शातिर आरोपियों ने एक शव को राष्ट्रीय राजमार्ग बेनगंगा नदी के ब्रिज के समीप लाकर फेंक दिया, लेकिन इन आरोपियों को छपारा पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लेते हुए 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों छत विक्षत स्थिति में एक शव राष्ट्रीय राजमार्ग बेनगंगा नदी के ब्रिज के नीचे मिला था, जिसको तेज धारदार हथियारों से मारा गया था और मृतक की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने मृतक के चेहरे को पेट्रोल से जला दिया। छपारा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला कायम कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया था। लखनऊ SDOP RN परतेती ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नरसिंहपुर निवासी इरफान के रूप में हुई है, जो कि पेशे से ड्राइवर था। पुलिस ने हत्या में उपयोग की गई गाड़ियों को जब्त कर हत्या में शामिल दो आरोपियों ब्रजेश चौबे और भरत सिंह को जेल भेज दिया है। घनसोर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। मोहम्मद उर्फ गब्बर मुसलमान जो नरसिंहपुर कंदेली का निवासी है, उसी आधार पर थाना प्रभारी छपारा और टीम के द्वारा नरसिंहपुर में कैंप करके प्रकरण की विवेचना की गई। जो विश्वास सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी का ब्रजेश चौबे के साथ अवैध संबंध काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, इसी लाइन में जो है विवेचना जारी रखी गई एवं ब्रजेश को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिन्होंने पूरी घटने स्वीकार किया। दिनांक 15/9/2020 को अपनी स्वयं की गाड़ी से मृतक को लेके आ रहा था, जो सिंहपुर के पास गाड़ी ख़राब होने से एजेंट से दूसरी गाड़ी सिंहपुर बुलवाया और उस गाड़ी में अपने साथी बबलू के साथ मृतक को हर रही होते हुए छपारा रास्ते से जो है पेट्रोल एवं घटना में उपयुक्त किया गया हथियार रास्ते से लेकर और अंधेले में छपारा पहुंचकर और ब्रिज के पास ले जाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या किया और पेट्रोल जो रास्ते में ख़रीदा था वो डालकर आग लगा दिया। आग लगाने के बाद बबलू के साथ ये जो है छपारा से लखनऊ दोनों होते हुए नरसिंहपुर पहुंच गए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनसे आला जरार जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा कोई अन्य आरोपी है? अभी अन्य आरोपी अभी प्रकरण विवेचना में है। थाना प्रभारी नीलेश परतेते एवं थाना छपारा का स्टाफ के द्वारा लगातार शव मिलने के बाद कैंप कर विवेचना कर और सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है, वो बधाई के पात्र हैं। सर, आरोपी ने यहाँ लाकर ही फेंकना क्यों समझा, क्या पूछताछ में बताया? नहीं, वो इसलिए बताया कि ये हाईवे है और यहाँ से प्रतिदिन इतनी सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, जो पुलिस का ध्यान नरसिंहपुर उस तरफ नहीं जाएगा और ये जो है शिवनी छिंदवाड़ा जबलपुर इसी मार्ग में जो आरोपियों की तलाश करते रहेंगे, इस कारण से ये स्थान उसके द्वारा चुना गया और साक्ष्य मिटाने के लिए पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया। वो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।